पूरे देश में 23 प्रमुख शहरों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय हम अडानी के हैं कौन, ये सवाल पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहा है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए हुए सवाल प्रोसेस के अंदर डिलीट कर दिए गए। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा दिया गया भाषण को, उन बातों को डिलीट कर दिया गया। पार्लियामेंट से डिलीट होने का बहुमत उन लोगों के पास है, उस बहुमत से ये सवाल को खत्म नहीं कर सकते। ये सवाल देश का हर नागरिक कर रहा है, ये जानना चाह रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जो उस रिपोर्ट के माध्यम से सवाल उठाए गए, उन सवालों का उत्तर नरेंद्र मोदी जी से पूछने चाह रहे हैं कि वो अपने मित्र अडानी के ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं। ये जो देश की ताकत है, ये देश की ताकत देश के आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए देश के लोगों ने उनको सौंपी है या अपने मित्र अडानी के लिए सौंपी है। काला धन के बारे में बहुत बातें कर रहे थे वो सरकार में आने से पहले, उन लोगों भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक बोला कि काला धन देश में लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को देश को काला धन देंगे हम। पर आज 9 साल बाद स्थितियां क्या हुई भी, इस रिपोर्ट के अंदर जो सेल कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनी हुई है, आज देश जानना चाहता है कि वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है, उस कंपनी के माध्यम से जो पैसा आया है वो पैसा है किसका, वो काला धन है किसका, ये सवाल देश पूछ रहा है। ये जेपीसी के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ये जेपीसी क्यों नहीं करवा रही है? जेपीसी के माध्यम से देश जानना चाहता है कि ये जो घोटाला किया है या अवैध पैसा काला धन अडानी समूह के अंदर आया है, ये किसका काला धन है? ईडी सीबीआई के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जो उनसे सहमत नहीं है उनको दबा रहे हैं, और उसी ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं से अपने मित्र अडानी की मदद कर रहे हैं। क्या यह जायज है? ये देश जानना चाहते हैं। सेबी संस्था का रोल जो है अडानी के प्रकरण के अंदर, वो कार्य जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब ये सवाल आता है तो उत्तर मिलता है कि वो मौन है। ये मौन रहना क्या देशवासियों के हित में है?